देखिए भाग रही है वो, मगर वहीं तक जहां तक बच्चों का सपना पहुंचा है। देखिए जाग रही है वो, मगर वहीं तक जहां तक पति का सपना पहुंचा है। देखिए बांध रही है वो खुद को, मगर वहीं तक जहां तक परिवार का आदर्श पहुंचा है। अपने बारे में सोचने का जिन्हें मौका नहीं मिला है, आज से इस मंच पे ऐसे ही अधूरे ख्वाबों ने मुस्कुराने की ठानी है। तैयार हो जाइए उस सफर का हिस्सा बनने को, जिसकी कहानी हिंदुस्तान की हर आम जननी की कहानी है। वेलकम टू द ऑडिशंस ऑफ डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स। वेलकम टू डीआईडी सुपर मॉम्स। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ सारे सुपर मॉम्स को देखने के लिए, क्योंकि माँ बनना उतना ही मुश्किल है और माँ बनने के बाद ये स्टेज पे आना उससे भी ज्यादा मुश्किल। वो जो भी करती है जन्म से लेकर वो बेहतर ही करती है, एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, और ये सब करते करते कहीं ना कहीं खुद को भूल भी जाती है। मेरी फिल्म में एक डायलॉग है, लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड चांस, तो जिंदगी जीने का तो वो क्या कैसे जीती है वो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ओके, शुरू करते हैं गणपति बप्पा मोरिया। मिली आसाम की हमारी 30 साल की पहली सुपर मॉम बबली भट्टाचार्य जी दास से, जिनकी शादी श्री सुब्रतो दास जी के साथ हुई साल 2012 में, और इनकी एक 6 साल की बेटी है। हेलो। हेलो सर। क्या बात है। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। हेलो, मेरा नाम बबली भट्टाचार्य जी दास है, मैं आसाम गुवाहाटी से आई हूँ सर। बबली? हाँ सर। बंटी की दादा? बंटी तो ये है सर। इसलिए मैं बबली हूँ। मैं खाने के लिए जीती हूँ मैम, मैं जब स्ट्रेस होती हूँ तभी भी मैं खाना खाती हूँ, जब खुश होती हूँ तभी भी मैं खाना खाती हूँ। मेरी तरह बहुत जीते रहो, जीते रहो। मैम आप खाना खाती है? हाँ, बहुत खाती हूँ मैं। मैम लेकिन आपका खाना जाता किधर है, मेरा तो पूरा है। मेरा चिकन तो उसको बहुत ही पसंद है, दिख रहा है सर। मैं बचपन से ही हेल्दी हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा डाइट कर ले, खाना कम कर ले, थोड़ा वेट कम कर ले, लेकिन मैं जैसी हूँ मैं ऐसे ही खुश हूँ। लोगों के बात को एक कान से सुनती हूँ एक कान से निकाल देती हूँ। भूखे लगी जोरों की भूखे लगी। वो कुछ ना कुछ खाते रहते हो। ये नमकीन क्या नया है क्या? नया चखा ये दो। बाजार में कहीं चली गई तो उसमें भी खाना है उसको। भैया कुछ कर दीजिए तो। वो झाड़ू मारेगी ना तब भी उसका हाथ में कुछ खाना ही रहेगी, और जब खाना खाना बैठता तब तो खाना है ही। ऐसा लगता है खाना अगर मेरे सामने वो बोल रहा है बबली आओ तुम थोड़ा चख लो, अगर मैं नहीं जाऊं तो वो बुरा मानेगा ना, तो मैं इसलिए चख लेती उसको अच्छे से मजे से। उसको खाने का इतना इतना शौक होता है, कभी मैं बाहर से कुछ लेके गया और ऊपर से बहुत खुश भी होती है सर, मतलब एक जो स्माइल देती है सर वो स्माइल मुझे बहुत पसंद है सर।
परफॉर्मेंस देखते हैं पहले? हाँ सर। ओके। हाँ सर, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ आपके लिए, एक सेकंड। आपका डर भगाने के लिए मेरे पास एक चीज है। उससे खाना। कुछ होगा नहीं? हाँ मैम। हाँ तो डर आपका भाग जाएगा। मुझे खाना खाया हुआ देर मिनट हो गई। अब नाचेगी, डांस हो जाएगा, देखिए। थैंक यू मैम। खा लिया आपने? ठीक है, रेडी? चलो फैंटास्टिक। एंड म्यूजिक। तो बबली से ये कहना चाहूंगा कि खाने के बाद अगर ऐसा डांस करते हो तो और खाओ। थैंक यू सर। और खाओ और ऐसे ही परफॉर्म करते रहो। अभी तो भूख लगी सर। ए भगवान, लेकिन क्या नाचे हो आप यार। हम लोग बोलते हैं फटाकड़े की तरह डांस करी आपने। हमें एक लेजेंड की याद आती है और मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ, सरोज जी। जब भी वो नाचती थी, क्या नाचती थी। कहीं कहीं आपने मुझे याद दिला दी उनकी, क्योंकि मुझे आपका डांस दिखाई दिया। थैंक यू सर। जिस फुर्ती से आप नाची। एक्सप्रेशन के साथ आपने किया, सो अमेजिंग। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई ऑडिशन के लिए, बहुत मम्मीज थी, सब स्लिम ट्रिम एकदम स्टाइलिश। मैं खाना खा रही थी सर, तो मैं उधर देख रही थी, तो मैं सोच रही थी ये लोग खाना नहीं खाते। फिर सोचा सब खाना कम खाएंगे तो खाना वेस्ट हो जाएगा। भगवान ने इतने सारे खाने, अच्छे अच्छे डिशेस बनाए हैं, वो कौन खाएंगे सर। क्या बात है। तो मैंने लुक इधर किया और अपना चालू कर दिया। और फिर आ गई सर, खाओ और नाचो। बस हम भी चाहते हैं कि आप खाओ और नाचो। पब्ली, मुझे ऐसा लगा कि गाना क्या परफेक्ट चुना है। आपने जब बोला सजन जरा ठहरो, तब ऐसे आंखें दिखाई कि कोई आपके खाने पर लपट रहा हो और आपने बोला सजन ठहरो। फिर आपने बोला दर्जी से जंग हो गई। तो होनी थी, इतना हाँ खाना खाएंगे तो फिर हो ही वाली थी। पर क्या नाची आप, मजा आ गया। थैंक यू। आइए आप भी आइए। एक होता है डांसर और एक होता है परफॉर्मर। तो
तो आप जो है ना, आप वो फुल एक ऑलराउंडर परफॉर्मर है और ये बहुत बड़ी बात है। आप सुपर मॉम हो मेरे लिए। तो सर मैं सुपर मॉम हूँ। जैसे मस्त। थैंक यू। क्या बात है बबली, क्या बात है। और पतिदेव को कैसे लग रहा है अभी? इस मंच में जो डांस किया तो सर मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा सर। क्या बात। इसका एक सपना था सर। सो स्वीट, सो स्वीट। उसका सर, उसको लाइफ का सबसे बड़ा सपना शायद यही था सर। जब शादी हुआ तब से इस बारे में मैं सुन रहा हूँ कि मैं स्टेज में जाना चाहता हूँ, और मैं शायद सर बहुत लकी हूँ सर, ऐसा जो लाइफ पार्टनर मिला। क्या बात है। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते अगली सुपर मॉम की तरफ। यस। अब मिलते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई 30 साल की उस सुपर मॉम से जो साल 2019 में केपी प्रदीश जी की पत्नी बनी और आज वो 1.5 साल की बेटी की माँ है। हेलो 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 सर, नमस्ते। यस, क्या नाम है आपका? अनिला राजन। मैं 30 साल की हूँ और मैं भिलाई से आई हूँ। भिलाई से आई हूँ जी। ओके, अकेली आई है? नहीं, अकेले नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है। बट वो है कि वो बहुत शाय है। वो ऐसे भी पहले बोल के आ गए थे कि मैं ऑडिशन तक तुम्हारे साथ आऊंगा लेकिन स्टेज में मत बुलाना। क्यों? उनको बहुत, मतलब वो बहुत शाय नेचर के। प्राण प्रिय, तुम किसन हो मैं हूँ राधा। मेरे पति में सारी अच्छाई है लेकिन एक ही चीज की कमी है, वो है रोमांस। मेरे इन-लॉज के सामने भी वो आंख उठाकर मुझे देखते भी नहीं है। एक पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति रोमांटिक हो और ये हक है उनका, लेकिन मेरे पति है जो मेरे फीलिंग्स की केयर ही नहीं करते। एक और देना भैया। तू तो साड़ी केयर नहीं करदा, टाइम से पैर नहीं करदा, मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी हूं, मैं ही तेनू फोन मलोनी। इवन फोटोज भी लेना हो तो उसमें भी वो दूर रहेंगे। सबके सामने फड़ मेरी बां, खुशरे हम कर दो के ओनी मैनू हां। तो रोमांस का आर तक नहीं होता ना, वो है मेरी जिंदगी में। मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी हां, मैं ही तेनू फोन मलोनी हां। मैंने सारी कोशिशें कर ली अपने पति को रोमांस सिखाने के लिए, लेकिन एक आखिरी उम्मीद है कि जब हम लोग DID सुपर मॉम्स में जाएंगे, दूसरे पतियों को रोमांस करते हुए देखकर ये रोमांस सीख ले कुछ। Why are you so shy, Pradeep? सर इसके डिमांड्स ही वैसे रहते हैं शाही वाले। क्या? ऐसे क्या डिमांड करते हैं आप? बोलो बोलो डिमांड क्या करते हैं? कमर में हाथ रख के फोटो खिंचाना फैमिली के साथ। देख लीजिए, पहला तो हम लोग हनीमून गए, वो भी कैसे, फैमिली के साथ। हनीमून फैमिली के साथ? फैमिली के साथ? यस, फैमिली के साथ। और उसके बाद भी ये हुई, फिर तो ये ऊपर वाले की देन ही है। बोल रही हूँ ना, मेरा ही सिर्फ रोमांस है और कुछ नहीं है। इनका बर्थडे आया था तो उसमें मेरे को बर्थडे में लिखना था जानू, बट क्या करे, फैमिली के सामने केक काटना है, जानू कैसे लिखे। केक को नहीं लिखा। क्या लिखा? पापा, इसके तरफ से पापा करके लिखना पड़ा। क्या विश क्या है आपकी कि भाई आज तो आगे देखो? मेरा ये विश है कि ये मेरा परफॉर्मेंस देख के विसिल करे, मतलब चीयर अप करे मुझे। अपनी वाइफ को कोई विसिल करके छेड़ता है क्या? अच्छा नहीं, लेकिन देखिए अनिला, अभी आप इस मंच पर तो आ गई हैं जी,
तो डेफिनेटली आपके आज ख्वाहिश मैं पूरी करके रहूंगी। थैंक यू मैम। तो रोमांस तो मैं आपसे करवा के रहूंगी इनके परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है? अभी के लिए बोल दीजिए कर दो लय भारी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या बात है, क्या रोमांस है। रेडी एंड लेट्स गो। क्यू म्यूजिक। क्या सीटी निकली है? कोई बात नहीं यार, सीटी तो निकली और सीटी नहीं पूरा बम फूटा यहाँ पर। क्या बात है पर और अनिला के लिए। थैंक यू मैम। क्या बात है यार अनिला, आप तो मतलब एक क्या बोलते हैं जिसको फुल फ्लेज्ड फुल ऑन परफॉर्मर हो, एकदम जोरदार लाइब्रेरी। हाँ जी हाँ। थैंक यू मैम। अनिला आउटस्टैंडिंग। हिप हॉप के साथ साथ आपके रोबोटिक्स थे, आपके बहुत सारे ऐसे मूव्स थे जो कमाल के थे एंड स्वैग था उसके अंदर। सब करने के बावजूद अगर आप ऐसे डांस कर सकती हैं तो आप सुपर मॉम हो। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। मेरी तरफ से अनिला, जितना ये शर्माते हैं उतना ही आप खुल के नाचते हो। थैंक यू। ऑनेस्टली आपने ये कब सीखा? एक्चुअली मैं 3.5 साल की थी तब से मैं भरतनाट्यम में ट्रेंड हुई हूँ, बीए किया है उसमें। उसके बाद दूसरे स्टाइल सब सीखे। जैसे ही शादी के बाद वो जो कंटिन्यूटी रहता है डांस का वो नहीं हो पाया था, बट दे सपोर्टेड मी। ड्यूटी कर लो कोई बात नहीं, डांस जहाँ भी डांस शोज हो रहा है करो। अनिला आई थिंक कि रोमांस सिर्फ आई लव यू या जानू से नहीं होता, रोमांस ये भी होता है कि अपने पार्टनर की अपनी स्पाउस की जो इच्छाएं हैं उसको समझो और पूर्णी तक लेके जाओ। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रोमांस। तो आपके लिए सल्यूट सर, वेरी नाइस। पंख तो है ही आप। एक इधर एक इधर एक इधर बनता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। कह सकूं मैं तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद जो तुम ना हो तो हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। कितने सालों के बाद इन्होंने ऐसे पब्लिक के बीचों बीच इन्होंने ऐसे ऐसे पप्पी दियो। अरे
पहली बार मैं इसके लिए तो चौंक रही हूँ। पहली बार हुआ है, क्या बात है। तो मैंने ऑफ कोर्स यहाँ पे सुपर मॉम के लिए सुपरमार्केट किया है। चलो आज शॉपिंग करते हैं। क्या चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए। वॉशिंग मशीन ठीक रहेगा। बीवी को वॉशिंग मशीन दे रहे हो या काम वाली को देना चाहते हो तुम? अरे कुछ रोमांटिक ले ले। चलो भैया वॉशिंग मशीन मिली गई है तो मैं सजेस्ट कर देती हूँ। हाँ वो बड़ा सा हार्ट उठा लो, ये वाला, और बस लेकर चले जाओ उनके पास। क्या है ये, क्या मकान मालिक को क्या भाड़ा देने जा रहे हो क्या? दो मित्र कैसे दे रहे हो ये गिफ्ट? रोमांटिक बनना है। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। भाई चाहिए ना तो फिर थोड़ा सा आज अकेले छोड़ना, आज नानी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, दादी के साथ करना, ठीक है ना? रेमो सर। यस। आपकी शादी को कितने साल हुए? 21 साल। 21 साल, अच्छा फिर तो ये क्वेश्चन बनता है, घर का कौन सा काम आपको पसंद है करने? कौन सा मतलब? कपड़ा, बर्तन, खाना बनाना। इनमें से मेरे को पसंद है कपड़े, बर्तन, खाना और झाड़ू पोछा। दिल में है झोरू, दिल की धड़कन में झोरू। आप ये सारे काम कर लेते हैं? कर लेते नहीं, करना पड़ता है। शाम सवेरे अब मैं झोरू झोरू कहूंगा। एक वक्त का खाना बना लेता हूँ। कौन से वक्त का, सुबह का या शाम का? सुबह का। और शाम का? शाम को जो बचा होता है वो शाम को खा लेता हूँ। रेमो सर ये किताब लेके घूम रहे हैं। हाँ। तो ये किताब क्यों? सी मैं रहने वाला हूँ आप सभी मम्मियों के बीच में। मैरिड लाइफ की बेहतरीन टिप्स जो मुझे यहाँ मिलेगी, मुझे इस दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। यू आर जोकिंग राइट? चोरू का गुला। ओके चलो ये तो होता रहेगा, बट उससे बेहतर है हम अगले सुपर मॉम को ही बुला लेते हैं भैया। प्लीज चलो। मैं अल्पना मिश्रा, सॉरी मैं अल्पना पांडे, मैं पहले मिश्रा थी इसलिए मिश्रा निकलता है मुझसे। मेरी फ्रेंड्स लोग के लिए तो मैं माधुरी दीक्षित हूँ, मतलब उनको लगता है मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। सर हमारे लिए तो वही डांस फॉर्म है जो हमारे दिल से निकले, वेस्टर्न डांस कर लो, ये बहुत अच्छा डांस होता है हमारे लिए। जब कभी कोई सास ससुर टाइप्स लोग बैठे हैं तो भजन वजन कर लिया, तो मतलब कैटेगरी होती ना कि कैसी ऑडियंस है तो कैसा डांस मुझे करना है, क्योंकि हमें अपनी भी तो डिग्निटी मेंटेन करनी है ना। अब आ रही हैं लखनऊ से 44 साल की अल्पना पांडे, जिनकी शादी हुई थी 2005 में आशुतोष पांडे जी के साथ, और इनके दो बच्चे हैं। हेलो सर, कैसे हो? सर बहुत अच्छी हूँ मैं, मेरा नाम अल्पना पांडे है, मैं अदब और तहजीब के शहर लखनऊ से आई। क्या बात है, क्या बात है। सर लखनऊ के बारे में तो सुना होगा ना आपने? मैं अभी वहीं से आया हूँ थोड़े दिन पहले। सर वहाँ आपने वहाँ का स्लोगन जानते होंगे ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ऑफ कोर्स सुना। और सर लखनऊ का देखिए, लखनऊ ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत कुछ जानते हैं। तो सर जब आप कभी आइए लखनऊ तो फिर कभी घर आइए, हम आपको वहाँ के टुंडे कबाब और मतलब आप घुमाएंगे क्या, बड़ा इमाम बड़ा छोटा इमाम बड़ा। खैर बड़े इमाम बड़ा छोटे इमाम बड़ा तो घूम चुका हूँ, तो फिर आप क्या टुंडे कबाब, जब भी आता हूँ तो मुझे टुंडे कबाब खाने का बहुत मन करता है और मैं खाता भी हूँ। तो मैं कुछ बचा है सर आपका लखनऊ में? नहीं कुछ ऐसे बचा तो नहीं है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखना ठीक है। वहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं सर, दिख रहा है। यस यस थैंक यू। ये खुश मिजाज का नाम भी बताएं। मेरे हस्बैंड है मिस्टर आशुतोष पांडे। खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा है ना। बोलिए सर। बस इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है। और ये अपने सामने किसी को बोलने देती नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बोलने के लिए मिल रहा है कुछ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आशुतोष जी, जी मुझे आप पहले इंसान दिखे हो जिसकी पत्नी इतनी खुश है। मैं आपसे टिप्स लेना चाहूंगा, लेकिन मैं परफॉर्मेंस के बाद लूंगा। सर यहाँ पे प्रोग्राम में आने के लिए मैंने अपनी काम वाले की छुट्टी कर दी। 20 साल के बाद मैं अब डांस शुरू कर रही हूँ। 20 साल से मैंने डांस नहीं किया। अल्पना परफॉर्मेंस हो जाए फिर बात करेंगे। अच्छा सर। माइक ले लीजिए प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। रेडी क्यू म्यूजिक। पांडे जी। जी जी सर। माय गॉड अमेजिंग। अल्पना सर अब बताऊं मैं? हाँ बताओ, चलो आप बताओ। क्या था ना इन्होंने मुझे टोक दिया था, बताइए। तो सर 20 साल के बाद मौका मिला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो सर काम वाली को हटाया इसलिए कि अपना वजन कम करूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर करके 7 kg वजन मैंने कम किया। वाह। और फिर यहाँ पर फिर मैं और सर मैं बड़ा खुश था कि क्या बात है अल्पना आजकल बड़ा मेहनत कर रही हो। ये लेकिन मेरे लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि ये काम वाली चले गई, सारी चीज चले गई, और नहीं तो कभी कभी ये कहती थी कि हम भी लगे रहे। बट अल्पना जी आपने कहा कि 20 बरस से आपने डांस नहीं किया। yes, उसकी क्या वजह थी? मैम देखिए 17 ईयर तो शादी के हो गए, और ये इन्हें डांस में कोई खास इंटरेस्ट खास क्या था ही नहीं। वो तो लॉकडाउन के बाद से थोड़ा स्टार्ट हुआ कि मतलब उस टाइम पे इनको टाइम मिला अल्पना पांडे को जानने का। हाँ। कि मतलब वाकई में मेरी पत्नी अभी बहुत तारीफ करते हैं मेरी। जी जी। फिर ना फिर क्या हुआ? जी जी में, जी जी में दिख रहा है सर, यही है खुश रखने का तरीका। बस लिख लो सर। लिख लो। जी जी सर। अच्छा जी जी क्योंकि मैं भूल गई कहाँ पे थी मैं। हम 44 साल के हैं इस टाइम, मेरी एज सर हम आपसे 4 साल छोटे हैं। इन्होंने अपनी एज बता भी दी और आपको बड़ा भी बोल दिया। आपकी एज भी बता दी।
एक चीज अगर बदलनी हो अल्पना आशुतोष में जी, तो क्या बदलोगे आप? सर अगर इनका कुछ बदलना है ना तो मैं इनका फोन पहले तो ले लूंगी। बचा खुचा मेरे पास मतलब फोन है वो भी सर, मतलब आप समझ लीजिए सर। आपका फोन एटलीस्ट आपके पास रहता तो है। आप समझ रहे हैं। और सर एक चीज और, कुछ भी सामान मंगाओ उल्टा सीधा ले आते हैं सर। सामान तो सर आज तक कपड़े से लेकर के सब्जी से लेकर के यहाँ तक कि झाड़ू तक भी कभी भी इनको पसंद नहीं आया होगा मेरा। सर बीवियों को दो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है जी सर, पति की जी। एक तो आप बाजार से जो भी खरीदे वो और उनकी फोटो खींची हुई। अरे पति कभी फोटो नहीं खींच सकता सही, कभी नहीं सर, कभी नहीं। और सर एक चीज और, पीछे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहे हैं सर की, तो उसी में मैं खड़े होकर पोज मार मार के मैंने बहुत सारी फोटोज खिंचाई। लेकिन अब जब सब सर सामने खड़े हैं और मुझे ये मौका मिले कि मैं सर के संग मतलब लाइव है सर सामने मेरे हैं, तो मैं उनके संग फोटो क्यों ना खिंचाऊं। और मैं अपना कैमरामैन तो लेके आई हूँ, ये है ना मेरा कैमरामैन, ये मेरा कैमरामैन फोटोग्राफर है सर इनके साथ। अच्छी नहीं खींचते ना? नहीं नहीं अच्छी खींचेंगे, मैं कई सारी खिंचवा लूंगी ना जल्दी जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। चाय कॉफी मंगा लेते हैं सर, हमारे स्टाइल में खींचेंगे। हमारे स्टाइल में, अच्छा फोटो भी हमारे स्टाइल में। मैंने तो ऐसी ड्रेस पहनी है ना। ओके तो कैसे? हाँ तो सर ऐसे करो, मैं आगे आपसे ऐसे। कुछ ऐसे कर लीजिए, फिर हमें ऐसे देखेगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। ओके तो बोल। ओके हेलो, हाँ लीजल भाभी, हाँ 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 भाभी मैं हूँ, मैं आपका देवर यहाँ पर ही हूँ। आप कहाँ मतलब यू नो वो शादियों के कैमरामैन की तरह यू नो उनके फोटोएं खींचते जा रहे हैं। अरे आपकी बीवी के साथ फोटो खींच रहे हैं वो। ये देखिए सर खुश हो रही है पत्नी। ये देखिए खुश हो रही है। ए भाई okay. साहब तुझे और मुझे इनकी बहुत जरूरत है। हम दोनों अबला मर्दों को आप ही बचा सकते हैं, ठीक है ना? यार अगर आप लोग अबला मर्द हैं तो मैं भी अबला मर्द हूं। हां यस हां मिट्टू मेरे संग रहो। माइक मिल गया इनको, भागो भागो, इसे माइक मिल गया। क्या कर रहे हो? इनकी जो परफॉर्मेंस पे आते हैं, आपने कहा कि 20 साल का गैप था उसके बाद आपने स्टार्ट किया है। अपर हाफ इज वेरी गुड, बहुत अच्छा भाव आपका, बहुत अच्छा है। आपकी कलाइयां का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती हैं, सिर्फ वो जो फुटवर्क है ना उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। सर अच्छा लगा तो बजाएंगे? ऐसा हंस रहा है ना, तेरे कान के नीचे बजाने का मन कर रहा है। अच्छा नहीं नहीं सर, ऐसी जैसी आपकी मर्जी, मतलब नहीं, हाँ, बिल्कुल मैं नहीं, बट मैं नीचे काम करना है। आशुतोष, आशुतोष के लिए मैं बिल्कुल बजाना चाहूंगा सर। अब इसके पहले कि आप मुझे बताएं मैं ही बजा देती हूँ। नहीं 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू। अल्पना के सपने तो अब पावर पंख पर सवार हैं।
लेकिन यहाँ आई और भी सुपर मॉम्स के कंधों को पावर पंख का इंतजार है। डैडी सुपर मॉम्स में हम आए हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, जो अभी तक हम नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी जगह घुमाने ले जाए, महंगी महंगी चीजें, महंगे महंगे गेम्स खिलाए बड़े बड़े मॉलों में। मेरे गाँव में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं डांस क्लासेस लेती हूँ। तो बहुत मुश्किल से क्लासेस चलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे डांस क्लास में बच्चे आए, मुझे जाने लोग। डीआईडी मॉम्स में आके मैं अपने लिए भी एक अच्छा बेटर फ्यूचर और बेटर करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ। सालों से मेरा डांस सिर्फ शौक ही रह गया मेरा। मेरे को पावर पंक इसीलिए चाहिए क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हमारे बेटे को ना करना पड़े। अगली सुपर मॉम है हंसी, हरियाणा से 24 साल की वर्षा बुमरा, जिनकी शादी हुई साल 2015 में नितिन कुमार जी के साथ, और इनका एक 5 साल का बेटा है। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा बुमरा है सर। वर्षा, कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ सर। और आपके हस्बैंड आए साथ में? यस सर। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम नितिन कुमार है मैम। और क्या करते हैं नितिन? मैं मजदूरी करता हूँ सर। अच्छा। वर्षा आप क्या करती है? भी मजदूरी करती हूँ सर। हम अनाज मंडी में मजदूरी का काम करते हैं और कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिसमें हम अच्छे से टेंशन फ्री रह सके, क्योंकि जो हमारे दिहाड़ी का मजदूरी का काम है उसमें सिर्फ हमें 400 से 500 रुपए मिलते हैं। जब काम नहीं लगता है तो वो हमें ही पता है कि हम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे नहीं। काफी बार तो हम ऐसे ही भूखे सो जाते हैं कि मेरे पति इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी, मैं भी साथ में काम करती हूँ उसके बावजूद भी हम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो 5 साल को हो गया, हम उसको स्कूल में नहीं डाल पा रहे। जो हम काम करते हैं मजदूरी का, हम नहीं सोचते कि मैं हमारा बेटा भी करे, क्योंकि हमारा बेटा कैसे कर पाएगा जब हम दोनों से ही नहीं हो रहा है, तो ये चीजें सोच के डर लगता है। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, मेरे पास डीआईडी सुपर मॉम, अगर मैं उसमें सिलेक्ट हो जाती हूँ तो शायद क्या पता हमारे बेटे को वो प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े जो हमारे आगे आ रही है। क्यू म्यूजिक।
गाना आपको पता है ना कि फिल्म में मेरे ऊपर शूट किया गया है। यस मैम। तो भैया मैं तो दुनिया के सामने कहना चाहती हूँ और आपके सामने भी कि अच्छा हुआ पहले इनको नहीं देखा, नहीं तो मुझे गाना ही नहीं देता कोई। बहुत 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 ज्यादा बढ़िया आपने नाचा है और आपको पता ही नहीं आप में कितनी टैलेंट है, प्रतिभा है। और ये मंच इसीलिए बना है कि इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसी प्रतिभा आपकी दिखाने को मौका मिलना चाहिए। कहाँ से सीखा बेटा आपने? मैंने यूट्यूब से सीखा मैम। यूट्यूब से ऐसा डांस सीखा? यस मैम। मैंने देखे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे यंग बच्चों को देखा है जो यूट्यूब से सीख के आए हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पहली बार कोई सुपर मॉम को देखा है जो यूट्यूब से सीख के इस लेवल का डांसिंग कर रही है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी सारी आपकी इस आपके परफॉर्मेंस में दिखी, एक्सप्रेशन दिखे आपके। ये जो हिट्स मार रहे थे आप, पॉपिंग के हिट्स मार रहे थे, वो सब कैसे, मतलब कब सीखते हो ये सब? सर मैं काम करते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो मैं वर्तिका मैम की वीडियो देखती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं जितना मेरे हस्बैंड अच्छे लगते हैं, मेरा बेटा अच्छा लगता है, उतने मेरे को वर्तिका मैम बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको देखती हूँ और उनसे ही कुछ सीखती हूँ, उनको ही देख के कुछ करने की कोशिश करती हूँ। अभी बहुत खुशी हो रही है मैम, मतलब आज मैं यहाँ पे हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। कैसे लग रहा है आपको बताइए? आज मेरी वाइफ का पहली बार डांस देखा है मैंने। पहली बार देखा। हाँ जी। सुबह 7 बजे काम पे निकल जाता हूँ, 6 बजे आता हूँ तो पार्ट टाइम नीचे काम करता हूँ, उसके बाद 11-12 बजे आता हूँ तो देखता हूँ सो रही है तो ठीक है, नहीं तो रोटी डालता हूँ खा के सो जाता हूँ। सर शायद मेरा फ्यूचर दिहाड़ी मजदूरी का ही है, मैं क्या कर सकता हूँ इस दिहाड़ी मजदूरी में, का कोई मेरे में कोई टैलेंट नहीं है मैम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आगे बढ़े, उसका टैलेंट वेस्ट ना जाए। इन्होंने घर पे मेरे लिए मिरर लगवाया, बूफर रखवाया और मेरे को फोन लेके दिया कैसे ना कैसे करके, तो फिर मैं वहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ और वहीं से अपनी गलतियां जो कुछ भी होती है वो देख के करती हूँ उनको सही। रूठे रूठे से सवेरे
जागे जागे है अंधेरे। मैंने सिर्फ वर्षा को एक बात कही, वर्षा तू अपने ऊपर फोकस कर, मुझे कितने ही हार्ड काम करना पड़े लेकिन मैं जैसे मर्जी मैनेज करूँ मैं करूँगा। मेरे लिए तो इतनी ही बस वो है कि ये मजदूरी ना करे मेरी तरह। जागे जागे अंधेरे। क्या बात है यार, क्या बात, वेरी नाइस, क्या बात। किनारे मिल जाएंगे सारे, बस है जो लगता है दूर। आज जो मैं यहाँ पे, मुझे आपने आदर मान सम्मान दिया है मुझे, हमें वहाँ कोई नहीं देता सर। सब ये कहते दूर खड़ा होके बात कर, पैसे लेने कल आइयो, खाके भाग रहे हैं। क्या बताऊं कि 400 रुपए कमा के लाते हैं, मांगने जाओ तो कहता कल आना परसों आना, उनके लिए तो सिर्फ 400 रुपए हैं। मुझसे पूछ के देखो, मेरे घर के 15 दिन की रोजी रोटी है वो। वो सब लोग जो आपको ये सारी चीजें बोलते थे, आज आपको देख रहे होंगे टीवी पर और सोच रहे होंगे कि यही वो आदमी है जिसको हमने इस तरह ट्रीट किया, लेकिन इसने हौसला नहीं हारा है और इसलिए आज यहाँ पर खड़ा है। और वो हौसला ये लेकर बड़ा होगा, और कोई चीज नहीं तो वो लेकर बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो वर्षा, इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सब कुछ ठीक हुआ है, हमारे सुपरमार्केट में चलिए और जो पसंद आता है आप वहां से ले लीजिए, आइए। ये देखिए मिक्सर है, आपको चटनियां कचुंबर नहीं बनाना पड़ेगा, गैस है, चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, फ्रिज है, खाना आप वहां पे भर सकते हैं इधर 4-5 दिन का एक साथ, और वॉशिंग मशीन है, कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। बोली क्या चाहिए? सर मेरे को गद्दा चाहिए। गद्दा चाहिए? यस। गद्दा, इतनी सारी चीजें है, बड़ी बड़ी, गद्दा क्यों चाहिए? बड़ी चीज लो। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ना, नीचे सोते हैं चटाई बिछा के, तो उनके लिए चाहिए मेरे को। मैम वो खुद तो चटाई बिछा के नीचे सोते हैं और मेरे को और मेरे बेटे को ऊपर सुलाते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, वो खुद कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सह लेते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं आने देते कभी भी। गद्दा ले लीजिए और फिर मेरे तरफ से हमारे गणपति जी भी ले लीजिए ताकि आपके साथ हमेशा हमेशा हर अच्छे अच्छे वक्त में रहे। एक को आगे बढ़ने के लिए दूसरा कोई भी तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, मतलब सच्चा प्यार तो इसको कहते हैं ना। इतने लेवल तक भी लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है अपने रोजाना की जिंदगी के लिए, बावजूद उसके अपने सपनों को अंदर लेकर चलते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। ओके लेट्स गो, नेक्स्ट सुपर मॉम प्लीज। अगो भाई हेलो हेलो, आज साक्षात पाहिलं। नमस्कार आपण। नमस्कार आणि जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय जय झिंगा।
अभी आपकी उम्र क्या है? 76 वर्ष है जी. 76? 76? Wow. कुठून आलात कुठून तुम्ही? अमरावती. 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 अरे वाह. मेरा नाम है लक्ष्मी ताथोड़कर. गांव वाले मुझे प्यार से लक्ष्मी आजी कहते हैं. अभी ये उम्र में भी ऐसा मेरे को लगता कि मैं 16 साल की छूं. अरे शादी ऐसी हो गई. मैं भांजी के साथ में रहती हूँ. सुबह मैं 6 बजे उठती, झाड़ू पोछा, उसके बाद थैली लेके पैदल ही जाती हूँ बाजार में. व्यायाम होता शरीर का. हम उठते हैं तो हम उनके हाथ की चाय पीते हैं और एनर्जी के बारे में हम पीछे और वो आगे है. मेरे घर वाले बोल बोल के थक गए पर मेरा काम जो है वो चालू चलेगा. लक्ष्मी आजी हम सब औरतों की लीडर है और कुछ भी सीखना है तो हम लक्ष्मी आजी के पास में जाते. डांस करना मुझे किसी ने सिखाया नहीं. मेरे को बचपन से शौक है. रेलवे में बसता था वैसे मैं नाचती थी. डम डम लिगा लिगा मौसम लिगा. दिल में आया जब भी डांस कर ली थी मैं. मराठी भी, भांगड़ा, डिस्को, थोड़ा थोड़ा सब डांस कर ली थी मैं. हाथ पैर अच्छे लगते हैं और बिल्कुल हल्कापन आ जाता है. वो हमेशा खुश रहती है, कभी दुखी नहीं होती. जिंदगी मैं कैसे जी रही वैसे तुम भी लोग जियो. अब मैं सुपर मॉम में आ रही हूँ और पावरफुल मोर पंख लेके आऊंगी. अभी ऐसे उड़ते 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 इतनी इच्छा है. शुरू करे. सल्ला बाबा म्यूजिक लावा. वापस. वाह वाह वाह. हे उड़त होते धड़धड़ लाली
इसके बाद अगर हमने आपको पंख दिए तो एक और डांस करना पड़ेगा आपको भांगड़ा करके. अरे काय उड़ी मार ली तुम्हें. इंडिया आप देखना चाहते हो ये 76 ईयर ओल्ड अजी अगर इतनी कूद सकती है, इतनी ताकत दिखा सकती है. बाकी सब कंटेस्टेंट्स ने पानी मांगा, इन्होंने पानी तक नहीं मांगा. पानी तक आप मत हो, पानी मैं पीती हूं. पानी की भी जरूरत नहीं है, आप डांस कर सकते हो ऐसे. हाँ, हाँ. और बचपन से ही लगे हो. बचपन से लगे हैं एस एच. फिर तो पावर पंख देना च पड़ेगा. आप खाते क्या हो कि आप थकते नहीं हो, एनर्जी लगी रहती है. बासी रोटी. बासी रोटी और पिक्का भात ताजा शिळा रात्रीचा रात्रीच्या पुळ्या. चॉकलेट बिस्किट मेरे तरफ से आशीर्वाद. सब सुखी रहो, फिर मिले ना मिले. अरे ऐसा क्यों, उदाहरण है. कभी अलविदा ना कहना. मुझे काफी सारे अवार्ड और बहुत सारे कुछ मिले हैं और बहुत सारे लोगों ने पैसे वैसे भी दिए, लेकिन आई थिंक ये 10 रुपए इसको हमें वेरी वेरी स्पेशल एंड इसको मैं संभाल के रखूंगा. हम तीनों संभाल के रखेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब आ रही हैं सिकर राजस्थान से 35 साल की सिमरत कौर खोसला, जिनकी शादी हुई थी डॉक्टर गौरव खोसला जी के साथ साल 2015 में और आज ये एक 6 साल की बच्ची की माँ है. बेबी सो स्वीट. नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम सिमरत कौर खोसला है. और इनका नाम क्या है सिमरत? इसका नाम है ओजस्वी. ओजस्वी, वाओ. और कौन कौन आए हैं आपके साथ? मैम ये मेरे फादर इन लॉ हैं और ये मेरे बड़े भैया हैं, ब्रदर इन लॉ जी, और वो मेरे छोटे देवर हैं. अरे वाह, फुल फैमिली आई है सपोर्ट में. जी मैम. जब से ये घर में आई है, उससे इसके आने से पहले हम एक हॉस्टल किसी जिंदगी गुजार रहे थे. 3 बेटे हैं मेरे और एक मैं. हम तीनों जने आराम से खुद ही रोटियां बनाते थे, खुद ही खाते थे, खुद ही सारा घर का काम करते थे. क्योंकि इनकी मदर की डेथ हो गई थी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो फिर हम अकेले. फिर जब इनकी शादी हुई, ये आई, आने के बाद हमको एक घर के अंदर इतना जीवंत वातावरण मिला कि ऐसे जैसे लगा जैसे घर में एकदम से रौनक आ गई. ये
आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मैं। सिमरित के आने के बाद जो हमारी बैचलर वाली जिंदगी थी वो एक तो परिवार के रूप में परिवर्तित हो गई और परिवार की तरह हम रहने लगे। आज हो गई आवे रब दी मैं। अखियां चो डिग दे हंजू खुशियां दे। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो डांस सब्जेक्ट लेकर और उसने क्वालिफिकेशन हासिल की है। तब मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी क्वालिफिकेशन है तो उस क्वालिफिकेशन का उपयोग होना चाहिए। अगर सिमरित डीआईडी सुपरमॉम में अगर आती है और अगर वो आगे बढ़ती है और वो जीतती है तो मेरे को जितनी खुशी होगी शायद मेरे को नहीं लगता कि सिमरित के अलावा और किसी को खुशी हो सकती है। But where is the husband? Ma'am, actually, I'm also missing him. Dance ke mamle mein thoda sa wo support nahi karte hain. So, wo nahi aaye hain yahan pe. I just tried to call him, but in sab se baat hui hai, mujhse nahi hui hai. To, ma'am, actually, unka field thoda alag hai. He's a doctor, physiotherapist hai wo. तो वो अपने पेशेंट्स के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं और मेरा डांस के लिए बहुत पैशन है। मैं हमेशा ये चीज़ मिस करती हूँ कि मतलब वो अपने पेशेंट्स को देखते हैं, शायद थोड़ा सा ध्यान मेरे डांस पे भी उनको कहीं नज़र पड़े तो मैं शायद कुछ और आगे कर पाऊँ। तो देखिए, पूरा सपोर्ट तो आपके पीछे खड़ा है, सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत है आपको। परफॉर्मेंस से पहले अगर हो जाए तो मैं भी कोशिश करूंगा कि शायद वो एक सपोर्ट मिल भी जाए। तो मैं चाहूंगा कि यार प्लीज फोन लगा दीजिए। हाँ, पति को फोन लगाना चाहिए ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कोई एक आके मुझे नंबर दे दे। हेलो हेलो गौरव। हाँ, रेमो डिसूजा बोल रहा हूँ डांस इंडिया डांस से। रेमो डिसूजा डांस इंडिया डांस इंडिया डांस सुपर उर्मिला है। ओके, मैं भाग्यश्री हूँ, सब लोग बात के और हम आपकी बात सुन रहे हैं। हेलो सर, हेलो। एंड मेरे सामने स्टेज पे सिमरित खड़ी है, पूरा घर सिमरित को सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या हो गया? हाँ, तो ये मतलब रिगार्डिंग मेरे मतलब जो नहीं सपोर्ट करना उसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं शायद। जी जी, ओके। क्या है प्रॉब्लम? क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे मैं, मेरे फादर और सिमरित और हमारी गुड़िया, बस यही लोग रहते हैं हमें। मेरे जो दोनों ब्रदर हैं वो बाहर रहते हैं। दूसरी चीज ये कि मेरी मदर नहीं है बचपन से। अब देखो, मैं मदर के नहीं होने की वजह से मेरा जो बेटी के लिए है ना, हमेशा ये रहता है कि उसको जो मदर का जो प्यार था जो मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं बिल्कुल भी उस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि उसको वो चीज ना मिले। मैं बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, मैं सुबह से शाम तक अपने वर्किंग में रहता हूँ। अगर सिमरित भी इतना टाइम अगर फैमिली के अलावा कहीं बाहर देगी, अपने प्रोफेशन में देगी, तो आप खुद सोचिए कि मतलब मेरी मदर नहीं होने से मुझे जो चीज की कमी लगी, सिमरित के होते हुए भी वो चीज होगी, तो मैं वो चीज मतलब उसको बिल्कुल भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। पर गौरव, ये जरूरी तो नहीं है कि सिमरित पूरा 24 घंटा डांस ही करे, वो तो दोनों चीज कर सकती है ना। हम लोग सब करते हैं। हाँ, तो सिमरित की यहाँ पे डांस एकेडमी है और वो अपने वहाँ पे करती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर इससे ज्यादा, एक लिमिटेड टाइम है, अगर उससे ज्यादा अगर उसको देना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इतना ही क्रूएल होता, इतना ही अगर मैं ज्यादा मतलब
उस चीज के लिए अगेंस्ट होता तो मैं डांस एकेडमी के लिए भी मना करता, वहाँ जाने के लिए भी मना करता। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं वो सही है, पर अभी तक उसने परफॉर्मेंस नहीं किया, वो बस यही चाहती है कि एक बार एक जो बेस्ट ऑफ लक होता है अगर वो उसे मिल जाए। अभी तो उसके पास वैसे भी मेजोरिटी है, आप देख सकते हैं। नहीं नहीं, पर पति का साथ देना बहुत, उसके बारे में सोचेंगे, बट मैं नहीं कहूंगा। तो मैंने कहा जो इतने दिन मैंने इनको संभाला है कि एक बेटी को और संभालने की क्या फर्क पड़ता है। अब लेट्स सी द परफॉर्मेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। म्यूजिक प्लीज। सिमरी जी, बहुत बहुत बढ़िया किया आपने अपना परफॉर्मेंस। ये गाना इस तरह से रीमिक्स करके ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, वाकई एक्चुअली मैं खुद ही सोच में पड़ गई कि वाओ, ये कुछ अलग ही एक तरह का फ्यूजन डांस इसमें आपका दिखा। वेरी नाइस। नई चीजें, नया गाना लेके उस पे आपने किस तरीके से जी सर कथक को मैच किया उस गाने में, तो वेरी नाइस, वेरी गुड फुटवर्क्स। आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे मुझे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। यू हैव अ यस फ्रॉम मी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। अभी मुझे जानना है आप सबसे पहले तो कि आपको कैसे लग रहा है आज इनको यहाँ देख के। हमको तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। इसके कई डांस देखे मैंने, आज इसकी परफॉर्मेंस देख के मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में कुछ है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मुझे एक्चुअली सभी लोगों ने सभी बात की है, एंड ऑफ कोर्स गौरव चाहते हैं कि आप टाइम दें गुड़िया को, लेकिन अभी तक किसी ने गुड़िया से नहीं पूछा कि गुड़िया को क्या चाहिए। बेबी इधर आओ। यस, देखो बात कैसे लगा मम्मी का डांस। बहुत अच्छा। तो जब मम्मी डांस करती है आपको अच्छा लगता है जब? आपको मैंने पहले भी टीवी में देखा है। वाह। अभी तो आपको भी देखेंगे लोग टीवी पे। ये भी बोल रही थी मुझे वहाँ जाना है। या? आपको यहाँ आना है, मेरे से मिलना है, आ जाओ। बैठो, मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने, तो आप मेरे को बताइए, ठीक है? गुड़िया, आपसे पूछना चाहता हूँ, मम्मी अगर यहाँ डांस करते थे तो अच्छा लगेगा आपको? मम्मी अगर जीत जाएगी तो अच्छा लगेगा आपको? आप मम्मी के साथ रहोगे यहाँ पे? हाँ, रहोगे ना? एक्चुअली मैं होटल में हूँ ना, इसलिए वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है।
तो आप रहोगे ना यहाँ पे मम्मी के साथ? रोज मिलेगा, रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मिलेगा हमारे साथ यहाँ पे। हर हफ्ते आओगे यहाँ पे? हर हफ्ते हाँ आएगी। चलो वेरी गुड, तो आप ही बोल दिया कि आपको आपकी मम्मी के यहाँ चाहिए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ। हमारे अगले सुपर मॉम को भेजिए प्लीज। अरे जजेस, ये क्या चल रहा है यार? ये सुपर मॉम कौन है? अभी सुपर मॉम भी आपको लग रहा है? सॉरी, आई मीन सॉरी, बट अरे यार मैं तंग आ चुका हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। भाग्यश्री आपसे, मुझसे? अब काम पर आई है तो काम कीजिए ना। ये क्या ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर डालते जा रही है यार? कितने डिलीवरी बॉय आके यूं ना मुझे वो चीजें देते जा रही है, कितना ऑर्डर कर रही है? आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, कुछ भी ऑर्डर किया नहीं है मैंने। देखिए आप सुमन है ना, मैंने प्यार किया वाली। हाँ तो मैं गलत नहीं हूँ फिर? अरे एक मिनट, बताएगा क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या सामान आया, कुछ बताएगा? अब बताता क्या और दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने कुछ सामान मंगाया ही नहीं है। तो फिर ये क्या? आ, 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 कबूतर मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये आप ही का है, आपके ये दो बच्चे नहीं, ये तीसरा भी है आप ही का, गुटरगू। मिस्टर गुटरगू? और सुबह से डिलीवरी देते जा रहा है अभी। किस चीज की? मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज का। अरे रुक जा एक सेकेंड, ये लाया मटर। मटर लाए हैं, मटर। तो फिर? अरे क्योंकि सडनली हमारे हिमालय जी को सडनली मन किया कि आज रात को वो मटर पनीर खाएं, तो यहाँ पर आपके लिए मटर भेज दिए कि आओ और यहाँ पर बैठे बैठे मटर पनीर मैं यहाँ थोड़ी ना बनाऊंगी। ये लो, हाँ छीलो अभी मटर पनीर। ये हमारे रेमो सर है ना, ये तो बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं। उन्होंने कहा आप एक टाइम का खाना बनाते हो ना, ये ले लीजिए, आपने तो बनाया नहीं सवेरे से, तो बना दीजिए। पहली बात तो ये है कि जो मैं घर पे करता हूँ वो यहाँ नहीं करूंगा। क्यों? यू आर अ मल्टी टैलेंटेड जज सर। मल्टी टैलेंटेड, हाँ तो चलिए रेडी साउंड। ओके नेक्स्ट। चलिए ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि काफी ठंड लग रही है आपको। हाँ, हाँ? हाँ। सर आपको भी ठंड लग रही है? हाँ। अच्छा 5 मिनट लीजल से बात कर लेना, खून खोलेगा आपका। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से फ्री होकर सुपर मॉम्स कर रही हैं मंच पर पैसा वसूल परफॉर्मेंस। सुपर सुपर एनर्जेटिक ऑन स्टेज, दुगनी जिम्मेदारी का एहसास लिए सुपर मॉम थिरकी, मन का विश्वास लिए। Are you okay, Amita? कहीं शरारत भरी मस्ती ले भारी परफॉर्मेंस था, तो कहीं अदाओं में पूरी हस्ती। तो क्या दिया, सीखा है आपने? सर यस, मैंने प्रोफेशनली सर कथक ट्रेंड हूँ सर। मैं जी सर। ओह परफेक्ट, मेरी तरफ से सुपर मॉम, सुपर फैमिली के लिए